एक पिता के प्रेम के लिए, धर्म के लिए कंस को एक अंतिम अवसर दिया जाएगा। मुझे तुझसे यही यही आशा थी कृष्ण। मैं स्वयं कंस को तुम्हारे समक्ष भेजकर उसके अनंत अपराधों के लिए क्षमा मांगने के लिए कहूंगा और उसे ज्ञान से परिवर्तित होने का अवसर दूंगा। आपको जो उचित लगे अब वो प्रयास कीजिए नानाश्री, मैं आपके साथ। एक महीना दीपक पूछने वाला है, अर्थात आज तेरा वो पुत्र मरने वाला है। मूर्ख हो तुम कंस, मरता वो है जो भयभीत होता है और इस समय स्पष्ट दिख रहा है कि भयभीत तुम। ये दीपक बुझने वाला है और साथ ही तुम्हारे जीवन का दीपक भी बुझ जाएगा। मैं भयभीत नहीं हूं, नहीं हूं मैं भयभीत। तो फिर क्यों कृष्ण के सामने नहीं जा रहे, क्यों अपने असुरों को भेज रहे हो, क्यों हमें ढाल बना रहे हो? बहना, ये भय नहीं, ये रणनीति है, महाबली कंस की रणनीति। और युद्ध में कुछ भी करना अनुचित नहीं होता। कंस, मृत्यु के लिए कोई नीति नहीं होती, वहां किसी प्रकार की कोई छूट नहीं होती। पिताश्री, पूर्व कंस, वो दिव्य बालक तेरा अंत बनकर आया है, तू आकाशवाणी को छुटला नहीं सकता। पुत्र, एक पिता होने के नाते मैं तुझसे ये निवेदन करता हूं कि जा और श्री कृष्ण के चरणों में गिर जा, उनसे क्षमा याचना कर। अन्यथा तेरी मृत्यु निश्चित है पुत्र, तेरी मृत्यु निश्चित है, उसे कोई रोक नहीं सकता। नैनिको, पेड़ों में बांध दो इसे और इसे भी अपने साथ ले चलो। कृष्ण के नाना होना तो तुम्हें भी मैं उस कृष्ण के सामने ही मारूंगा। मारूंगा उस कृष्ण के सामने। देखो उसे। पिताश्री। पुत्री। चक्रवर्त कुलक्षण कुटिल कुबंध कामी क्रोध। ये ऐसा एक नरेश है दयाना जिसमें लेश है मनुष्यता न शेष है अहम है राग देश है। पंखधारी वो बांसुरी वाला कहाँ है वो? काल तेरे सामने खड़ा है कंस, मैं तुम्हारा काल, मैं हूँ कृष्ण। है ये धर्म का कृष्ण के सुकर्म का, हार जीत पुण्य पाप मोह त्याग भय विलाप, सर्वनाश हो अधर्म का।
तेरा काल। देख तेरी मथुरा को, मथुरा का हर एक नागरिक आज तुझे मरता हुआ देखना चाहता है। मथुरा का प्रत्येक व्यक्ति तेरा काल है कंस। अब तेरा अंत होगा। कंस से किसको भय लगता है? नहीं, हमें कंस से कोई भय नहीं। हाँ, हमें से कोई भी भय नहीं है। ना किसी में भय है, ना ही आता। यदि यहाँ कोई भयभीत है, तो केवल तू है कंस। मेरे पीछे समस्त मथुरा है कंस, और ये मथुरा भय मुक्त हो चुकी है। और शीघ्र ही ये कंस मुक्त भी होगी। अब तुम्हारे जीवन में और तेरी मृत्यु में कुछ ही पग का अंतर शेष है। अब अपने अंत के लिए सज्ज हो जा। भूषण, चल। भूषण, कट। चलो। भूषण, चलो। आक्रमण करो। तुषार खड़े क्यों? जाओ जाओ। मैं ग्रहों का नाशी हूं, ये मनुष्य तो मेरे लिए तुच्छ जीव जैसे हैं। Thank you.
मेरा मामा श्रेय आपके अपने भांजों का युद्ध कौशल। आपके ये असुर तो आपकी भांति मूर्ख निकले। चलो अब इनका तो अंत हो गया, अब बारी है आपकी। मेरा अंत इतना सरल नहीं है। अब तेरा होगा केस तेरा। अब मुझे तेरी अंतिम इच्छा का प्रबंध करना होगा। मुझे विश्वास है कि मरने से पूर्व एक अंतिम बार तुम उन्हें अवश्य देखना चाहोगे। है ना भांजे? काना कंस कहाँ चला गया? और उन्हें देखने से उसका तात्पर्य कहीं? हाँ था, उन्हें अर्थात हमारे माता पिता देवकी और वसुदेव। काना कंस अदृश्य होकर कहाँ चला गया? जहां उसका अंत होने वाला है, जो कंस का मृत्यु स्थान है। कंस स्वयं ही वहां पहुंच गया है। अब केवल उसे उसकी मृत्यु तक पहुंचाना शेष है।